वी आर गोइंग टू स्टार्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। तो होता क्या बेसिकली, जब कोई आप हम यहाँ पर जनरली अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मेटल्स के लिए यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, तो मेटल एंड देयर अलॉयज उनकी बात कर रहे हैं यानी कंडक्टर से मेनली, ठीक है। तो उसमें भी अगर मेटल की बात करें तो हमें पता है कि मेटल के अंदर ऑलरेडी मेटल्स को जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स दे, तो इजीली इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑलरेडी पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर उनकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है जिसको हम नंबर डेंसिटी बोल देते हैं वो ऑलरेडी काफी ज्यादा होती है और ऑलमोस्ट वो क्या होती है, फिक्स होती है। फिक्स का मतलब क्योंकि इनकी टेंडेंसी शुरू में इलेक्ट्रॉन दे देने की होती है, तो वो थोड़ी बहुत भी एनर्जी जैसे उनको मिलती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं और एक पर्टिकुलर एनर्जी पे ऑलमोस्ट सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो चुके होते हैं। उसके बाद आप अगर एनर्जी दोगे भी सही तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन दे चुके हैं उसके बाद वो ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्फिगरेशन को अटेन कर चुके होते हैं। उससे होता क्या है कि अगर आपने फर्दर एनर्जी बढ़ा भी दी तो वो अपनी स्टेबल कंडीशन को छोड़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं या मैग्नीशियम की बात करूं या किसी भी मेटल की बात करूं थोड़ी देर के लिए सिर्फ समझने के लिए, तो मान लीजिए सोडियम अगर मैंने लिया, हालांकि कॉपर वगैरह आयरन की बात करते हैं, ये समझने के लिए मैं इजी वे में यहाँ पे समझा रहा हूँ। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यह फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा था, आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन था, थोड़ी भी एनर्जी मिली तो ये यहाँ से चला गया, ये Na+ फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इसका स्टेट हो चुका है 2.8, यानी कि ये आ चुका है स्टेबल स्टेट में। अब सोचो ये तो मोस्ट स्टेबल स्टेट है क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव कर चुका है। अब यहाँ तो आपको मान लीजिए समझने के लिए कि 0.23 जूल एनर्जी देनी पड़ी, और यहाँ पर अगर अब आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो यार ये तो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन है, इसको तो बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तब जाकर के निकल पाएगा। इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो तो दैट टेम्परेचर इज नॉट सफिशियंट टू टेक आउट अनदर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट। इसका मतलब मैं ये बोल दूं कि जो थोड़ी एनर्जी दी उसके इलेक्ट्रॉन ये रहे, और अब आप इसको इसका टेम्परेचर बढ़ा भी रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बढ़ने नहीं वाले। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जो नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होगी इन मेटल्स, है ना, इन मेटल्स या कंडक्टर्स वो क्या होगी, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। सब कुछ काम हम टेम्परेचर के बेस पर चेक कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं, मेन काम हम टेम्परेचर के बेस पर देखेंगे क्या चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर आपने बढ़ा भी दिया तो नंबर डेंसिटी यहाँ पे चेंज नहीं है होने वाली। हाँ, मुश्किल से 1,50,000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसमें से अगर 2-5 बढ़ भी गए तो दैट डजंट मैटर एट ऑल। तो यहाँ पर हम ये बोले कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर भी एन विल नॉट चेंज, ठीक है साहब। अच्छा, एन चेंज नहीं होता जनरली टेम्परेचर, आप ये नहीं है कि इसको आग लगा करके जला डाला है आपने, टेम्परेचर एक नॉर्मल वे के अंदर ही आप इंक्रीज कर रहे हो, या ऐसा नहीं कि फर्नेस के अंदर डाल दिया, भट्टी में डाल दिया और पिघला दिया, वो वाला काम नहीं। टेम्परेचर मतलब ये वायर वगैरह जो हो रहे हैं, जो हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं, रूम टेम्परेचर है, अभी हम सर्दी के अंदर अलग टेम्परेचर रहता है, गर्मियों में अलग टेम्परेचर चल जाता है, उतने टेम्परेचर रेंज की हम बात करते हैं, है ना। तो उस रेंज पर अगर मैं बोलूं तो इन जनरल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर लेंथ एंड एरिया में कोई ज्यादा खास इंक्रीज आ पाएगा क्या? भाई ये अभी इतना बड़ा वायर था तो क्या ये इतना बड़ा वायर बन जाएगा क्या और नॉर्मल टेम्परेचर चेंज रेंज पर हो पाएगा क्या ये वाला? ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, है ना। चेंजेस आएंगे भी सही तो वो नेग्लिजेबल चेंज होंगे कि ये हुआ और ये इतना सा इंक्रीज हो गया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसी के प्रोपोर्शन के अंदर कम ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर भी रहे हो तो जो चेंज इन टेम्परेचर जिसके थ्रू इनमें चेंज आने थे वो भी चेंज इन लेंथ एंड एरिया या तो होगा ही नहीं, विल बी ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट और नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब यहां पर लेंथ और एरिया के अंदर भी चेंज नहीं आ रहा। अच्छा कि सर ये लेंथ एरिया ये सारी चीजें करा क्यों रहे? क्योंकि हम चेक क्या कर रहे हैं साहब, हम चेक कर रहे हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R = ρL/A, तो इसलिए मैंने बोला। और ρ का फॉर्मूला जल्दी बोलिए क्या होता है, बोलिए R A / M /
एम अपॉन एनी स्क्वायर टू, होता ही नहीं होता है? एम चार्ज, जो चार्ज फ्लो रहा है उसका मास, एन नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन चार्ज ऑफ अपॉन इलेक्ट्रॉन, टॉ, टॉ क्या है यहाँ पर? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है क्या साहब, कि ये जो हमने जिगजैग मोशन बनाई थी, तो इसके अंदर हम बोल रहे थे कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया और दूसरे के साथ कोलाइड हुआ, कोलाइड होकर के कुछ देर तक चिपका रहा जो भी उसमें रखा, और फिर उसके बाद रिलीज हुआ, तो ये हुआ यहां से यहां तक का वन टाइम, है ना, टॉ वन बोल देता हूं उसको, ठीक। फिर उसके बाद अलग होने के बाद अब ये टकराने के कारण, क्योंकि इसकी डायरेक्शन वगैरह मान लो चेंज हो गई, फिर ये आया और दूसरा सक्सेसिव कोलिजन हुआ दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, कुछ देर टकरा करके जितनी सी भी देर टकराए में रहा वो तक का टाइम, वो यहां से यहां तक का टाइम हो गया टॉ टू, इस तरह से फिर ये यहां से यहां तक कोलाइड हुआ। तो ये जो कंटिन्यूस कोलिजन्स हो रहे हैं और उनके अंदर जो टाइम लग रहे हैं वो टाइम क्या कहला रहे हैं, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और इन सबका एवरेज ले लें तो वही हमें मिल रहा है क्या, टो इन सबका एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है क्या, बेसिकली सक्सेसिव कोलिजन में, सक्सेसिव मतलब लगातार कोलिजन होने में जो भी इलेक्ट्रॉन्स को टाइम लग रहा है आगे बढ़ते रहने के अंदर वो टाइम, ठीक। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पर अब कुछ फैक्टर्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने एन का फैक्टर आपको समझा दिया कि एन, एन चेंज होगा नहीं मेटल्स कंडक्टर्स के लिए टेम्परेचर जनरली इंक्रीज करने पर। एन से फर्क ये पड़ता है कि एन का मतलब हो जाता है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज, नंबर डेंसिटी का मतलब एक तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्यू टोटल, क्यू तो क्यू भी क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है जब क्यू, एन ही चेंज नहीं हो रहा तो क्यू भी कैसे चेंज होगा, तो यानी कि टोटल चार्ज भी ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो चार्ज ज्यादा चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब चार्ज पर ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ये पूरा फैक्टर जो भी हम पढ़ रहे हैं। मास पर चेंज होगा क्या, क्या मास चेंज हो जाएगा क्या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करने पर, टेम्परेचर में इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो मास भी क्या बना रहेगा ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट बना रहेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होगा नहीं, ठीक। तो एन चेंज नहीं हो रहा, एल बाय ए चेंज नहीं हो रहा, एन चेंज नहीं हो रहा, और ई तो फिक्स होता ही है। तो अब बच रहा है हमारे पास सिर्फ टॉ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। अब ये देखना है इसका मतलब कि इसी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, या फिर चेंज नहीं आएगा। अगर मैंने बोल दिया टॉ भी कॉन्स्टेंट हो गया तो फिर तो ये हो गया कि आप कुछ भी टेम्परेचर बढ़ा लो कम कर लो डजंट मैटर, रेजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज एट ऑल, ये इसका मीनिंग हो गया। तो जिस जगह पे जाकर के टॉ कॉन्स्टेंट हो जाए तो वहां पे ना तो रेजिस्टेंस ना रेजिस्टिविटी दे विल नॉट चेंज एट ऑल, ठीक है साहब। लेकिन लेकिन अगर टॉ कॉन्स्टेंट नहीं रहा, या मतलब या तो कम ज्यादा हो जाए, या तो कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, अगर ऐसा कुछ हो जाए वो चेक करते हैं भी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विल बी डिपेंडिंग ऑन वन अपॉन टॉ, टॉ का आर का रिलेशन वन अपॉन टॉ, टॉ का रिलेशन वन अपॉन टॉ, है ना, ये रो है, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, है ना, तो रेजिस्टिविटी का रिलेशन इनवर्स है, रेजिस्टेंस का भी रिलेशन इनवर्स है। इसका मतलब अगर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बढ़ जाए तो ये कम हो जाएंगे, और अगर ये कम हो गया तो ये बढ़ जाएंगे। अब हम बात, ये तो है जनरल फैक्टर, हम बात किसकी कर रहे हैं, मेटल्स की, ये वाली सिचुएशन की। इस सिचुएशन में देख रहे हैं कि टॉ जो है वो कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। अब पहले तो ये बताओ यहां तक सबको समझ में आ गया क्या? तो अब इस पर डिपेंडेंसी चेक करने के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अब सोचो इसके नीचे लगा दी मैंने एक आग, पिघला नहीं रहा हूं, आग लगा दी मतलब हीट, इसको टेम्परेचर
बढ़ा रहे, तो क्या होगा, पहले भी ये यहाँ पे हमने एक तरह से वोल्टेज वगैरह लगा ही रखा है ना, पहले भी ये मूव कर रहे थे, नहीं भी कर रहे हैं, तो मूव तो मतलब मूव तो पहले से भी कर ही रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पीड तो पहले से ही थी इनके पास, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो थी सही। जैसे ही हमने इनका टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर दो फेनोमेनन हो सकते थे, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते, लेकिन क्योंकि जनरली मेटल्स वगैरह स्टेबल स्टेट में चल रहे हैं, इस वजह से अब वो फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, यानी कि एन बढ़ नहीं सकता, तो इसके अंदर और क्या बढ़ जाएगी, जैसे ही एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी, आप अगर हीट दे रहे हो तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर से क्या जनरेट होगी, हीट, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हीट यू आर इंक्रीजिंग, हीट आपने बढ़ा दी, हीट बढ़ाने से इनकी वो एनर्जी, हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगी, इनको जो मिलेगी वो ऑब्टेन होगी काइनेटिक में मूव कर रहे, तो अब ये ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे सभी एटम आयन, और इनकी स्पीड जल्दी जल्दी बढ़ जाएगी, तो पहले अगर ये ऐसे ऐसे कोलाइड कर रहे तो अब ये जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, इसका मतलब अगर थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इजी वे में माने, यहाँ 10 सेकंड लग रहे थे कोलिजन होने में, तो इनकी स्पीड बढ़ गई, स्पीड बढ़ गई तो टाइम अब इसको जो लगना है वो 6 सेकंड या 4 सेकंड या 5 सेकंड ही लगेगा, फिर ये कंटिन्यूशन में अपनी इसकी स्पीड बढ़ ही रहे, तो इसका मतलब जहां अगर यहां मान लीजिए सेकंड कोलिजन में 20 सेकंड लगने थे, तो नेक्स्ट सेकंड के अंदर 17 सेकंड ही लग करके रह गए, इसका मतलब हर कोलिजन के अंदर स्पीड बढ़ने के कारण स्पीड बढ़ेगी, तो लगने वाला जो टाइम है कोलिजन का वो कम होता जाएगा, इसका मतलब इन दोनों फैक्टर्स में से मैं मुझे ये समझ में आ रहा है कि टॉ कम होने वाला है, तब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं यहां पर कि इफ आई विल बी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर then tau will be decreasing, average relaxation time kam ho jayega because their drift velocity will increase, aur agar drift velocity increase hogi to iska matlab ye hua ki jo tau hai which is directly proportional to 1 upon tau, uske andar tau kam ho gaya, relaxation time kam ho gaya, to resistivity ultimately kya ho gayi, increase ho gayi, ya fir रेजिस्टेंस बोलू तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टॉर्क कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, स्पीड ज्यादा हुई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, सिंपल सी बात भी है यार। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में ओवरऑल टाइम अगर 100 सेकंड लग रहा था, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में अगर इनको 100 सेकंड का टाइम लग रहा था, तो I is equals to Q by T से Q तो फिक्स हो गया, Q तो कांस्टेंट है, नंबर डेंसिटी बढ़ी नहीं, तो अब जब स्पीड बढ़ जाएगी टेम्परेचर देने से तो टाइम कम हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, टाइम का मतलब टॉ कम हो गया, टॉ कम हो गया तो करंट बढ़ गई, करंट बढ़ने का मतलब टाइम कम हो गया, करंट बढ़ गई, करंट बढ़ने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, यही हुआ क्या इसका मतलब, हाँ भाई बताओ, करंट का तो कोई इफेक्ट नहीं होता रेजिस्टेंस पे, तो यहां पर एक्चुअल में वो कह रहा है कि ये जो कंट्रोवर्सी वाला स्टेटमेंट दिख रहा है, एक चीज ये जनरली हम आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी लिखते हैं, तो बेसिकली ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात चल रही होती है, एक तो पहली चीज इन जनरल है ना, और ये आई वाली, ये वाली जो सिचुएशन लेते हैं, ये हम अलग अलग रेजिस्टेंस के से कंपेयर करते हैं कि भाई करंट बढ़ रही है कम हो रही है, अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप अलग अलग रेजिस्टेंसेस की बात कर रहे होते हैं। दूसरी चीज, अगर आप सेम रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते तो अगर सेम रेजिस्टेंस रख रखा है तो भैया ओम्स लॉ तो यही तो कह रहा है, करंट का कम होना और ज्यादा होना तो वोल्टेज पे डिपेंडेंट है, उस रेजिस्टेंस से क्या मतलब है, ये रेजिस्टेंस इस मटेरियल का ही तो है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, अगर आपने एक बार यार मैंने यहाँ पे आयरन फिक्स कर दिया तो यार इसका अगर 2 ओम है तो 2 ओम ही तो रहेगा, अगर इन जनरल बात करूं तो 2 ओम है तो 2 ओम रहेगा इन जनरल, तो ये रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की फिक्स होती है, रेजिस्टिविटी जनरली फिक्स होती है, चेंज कर दोगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगी, तो करंट का जब बात कर रहे होते हैं, करंट की बात वोल्टेज पे डिपेंडेंट हो रही होती है इस जगह पे, उस जगह से हम रेजिस्टेंस को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम यहां रेजिस्टेंस को कंपेयर एक ही रेजिस्टेंस की
वैल्यू में चेंज आना ना आना कंपेयर कर रहे हैं टेम्परेचर से, और टेम्परेचर से अभी हम करंट को कंपेयर नहीं कर रहे। करंट का रिलेशन वी के साथ है क्योंकि वी अपॉन आई इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ओम्स लॉ फॉर ऑलमोस्ट ऑल कंडक्टर्स। सो वी इज इक्वल टू आई आर आता ही, ये बोला ही जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट और रेशियो ऑफ वी अपॉन आई कॉन्स्टेंट आर। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट रिलेशन नहीं है, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिलेशन ये है। तो टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो आपको इस रिलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। इतना ये दोनों में कंफ्यूजन समझ में आ गया क्या, कितना वो क्लियर हो गया? तो अब तो इसलिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सी बार पूछते हैं बच्चे भी मुझसे कि सर ये बाद में, मतलब क्योंकि यहाँ नहीं पढ़ाते ना कहीं पे भी कोई, कि बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन ना हो जाए। मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप भी जब पढ़ें तो जब टेम्परेचर का टॉपिक चल रहा हो आपको एक माइंड में आना चाहिए, भैया जब हम टेम्परेचर पे फोकस कर रहे हैं तो अब हम यहाँ टेम्परेचर से रिलेटेड रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस को पहले पढ़ेंगे। रेजिस्टिविटी वैसे तो चेंज होती ही नहीं है, लेकिन अगर हो रही है तो वो किस वजह से हो रही है? टेम्परेचर की वजह से। एक सिंगल सेम मटेरियल की प्रॉपर्टी में, नेचर में चेंज आ रहा है टेम्परेचर की वजह से, ना कि उसके लेंथ, ना कि उसके एरिया, क्योंकि ये टेम्परेचर से उतने चेंज नहीं हो रहे हैं। तो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट यहां पर। तो जब एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया तो रेजिस्टिविटी बढ़ गई, ठीक है, रेजिस्टिविटी बढ़ गई यहां पर। अच्छा, दूसरा फैक्टर, इंटरेस्टिंग फैक्टर जो और आपको जानना चाहिए यहां पर, कि जो टाइम है इसमें और यहां का जो टाइम है, इन दोनों में भी डिफरेंस है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। ये टाइम कहलाता है यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, ए से बी तक ट्रेवल करने का टाइम। कोई कहेगा तो सर आप इसमें भी तो यही बोल रहे हो, नहीं, इसमें हम बात कर रहे हैं कोलिजन्स होने में कितना टाइम लग रहा है उनका एवरेज टाइम, क्योंकि सर ये भी तो कोलाइड होते जा रहे हैं, भले ही होते जा रहे हो। अगर मैं यहां एक इलेक्ट्रॉन को भी लेता, अगर एक इलेक्ट्रॉन को अज्यूम कर लिया जाए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर 10 सेकेंड यहां तक ले रहा होता तो ये इसका स्मॉल टी कहलाता, लेकिन अगर कोलिजन्स ही नहीं हुए तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कुछ लगेगा ही नहीं। अगर कुछ लगेगा ही नहीं तो आप खुद बता दो कि टॉ क्या हो जाना चाहिए, खुद बताओ टॉ क्या हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसको यहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया। तो अब इसका एक रिलेशन लिखते हैं, ये सब चीजें समझाने के लिए बुक में आपको डायरेक्ट रिलेशन ही देखने को मिलेगा। मैं आपको वो रिलेशन बता देता हूं, ये सारी चीजें इतनी समझाई दी है आपको। तो जो रेजिस्टेंस हमने बस बेसिकली ये देखा है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गई है और उसी के साथ रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया है। तो जनरली ये रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हुआ अपनी एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में, कुछ टेम्परेचर में जो चेंज लाया उसके रेस्पेक्ट में हुआ है। अगर मैं मान लीजिए कि इनिशियल रेजिस्टेंस या इनिशियल रेजिस्टिविटी रो वन बोल दूं, फाइनली रो टू बोल दूं, तो जो चेंज इन रेजिस्टिविटी है उसको मैं रो टू माइनस रो वन लिखूंगा, ठीक है। ये जो भी चेंज आ रहा है, जो डेल्टा रो का चेंज आ रहा है, वो किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। डेल्टा टी क्या है? इनिशियल टेम्परेचर टी वन, इनिशियल टेम्परेचर एट जहां पे रो वन था उसके रेस्पेक्ट में टी वन टेम्परेचर था, और ये रो टू तब बना जब टी टू कर दिया था हमने टेम्परेचर। तो ये जो चेंज आया वो कितने से आए, तो किसके रेस्पेक्ट में आया ये वाला जो चेंज आया? ये चेंज आया एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है? एक्चुअल वैल्यू में, एक्चुअल वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो भी चेंज आ रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डेल्टा टी पर डिपेंड करता है। तो जो रिलेशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है साहब, देखिए, रो टू इज इक्वल टू रो वन, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा टी की जगह मैं यहां लिख देता हूं टी टू माइनस टी वन, जहां पर एल्फा क्या होता है? कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी। और जब इसी तरीके को हम लिखेंगे, क्योंकि हमने अब यहां पे बोल दिया है
कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, क्यों? क्योंकि आर होता तो है एल अपॉन ए, लेकिन जिस टाइम पे टेम्परेचर से रिलेटेड डिस्कशंस किए जा रहे होते हैं तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में एल एंड ए कॉन्स्टेंट बने रहते हैं, इनमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक सेम मैनर के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज होनी, यानी कि प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिस वे में ये रिलेशन लिखा हुआ है उसी वे में हमारे पास रिलेशन आता है आर टू इज इक्वल टू आर वन वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, या डेल्टा टी को फिर से वही टी टू माइनस टी वन, आप चाहो तो इसको डेल्टा टी लिख सकते हो, मैं प्रेफर डेल्टा टी करता हूं जिससे थोड़ा सा याद रखने में भी आसानी होती है, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। ध्यान से देखो तो यहां से भी अगर मैं इसको इधर ले आऊं ना तो ये रिलेशन कुछ कुछ ऐसे ही बन जाएगा, है ना? तो फिर यहाँ पे मतलब इसी तरह का कुछ रिलेशन होगा, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा अल्फा वगैरह आ जाएगा, इसको रो टू माइनस रो वन लिख दूंगा, कुछ कुछ रिलेशन ये यहीं से आते हैं, ये रो वन इधर आ जाएगा तो रो टू इज इक्वल टू रो वन प्लस एल्फा। देखो यहाँ पे मैं हटा करके भी बताता हूँ आपको, ये प्रोपोर्शनल का साइन है और ये डेल्टा टी है, ये हटाया एल्फा डेल्टा टी आया, इसको मैं इधर ले गया रो वन आ गया, इसको लिख दिया रो टू माइनस रो वन, रो वन एल्फा डेल्टा टी, आर टू इज इक्वल टू रो वन सॉरी रो टू इज इक्वल टू रो वन प्लस रो वन एल्फा डेल्टा टी, रो वन कॉमन आ गया, रो वन कॉमन ले लिया, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। सो दिस इज दैट्स हाउ, तो आपको ये कुछ भी ये ना डेरिवेशन रखना है कुछ करना है, डायरेक्ट ये रिलेशन रो टू इज इक्वल टू हाउ द रेजिस्टिविटी विल बी चेंजिंग, वॉट इज रो टू, रो टू इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी टू, रो वन इज द रेजिस्टिविटी एट टेम्परेचर टी वन, ठीक है? सो रो टू इज इक्वल टू रो वन, वन प्लस एल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज, ठीक है? और एल्फा यहाँ पर ये एक तरह से अब आप खुद सोच सकते हो मैंने एल्फा कब लगाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा करके, इसी वजह से इसको बोलते हैं क्या, कॉफिशियंट, कॉफिशियंट ऑफ टेम्परेचर या टेम्परेचर कॉफिशियंट, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, दोनों में सेम ही, टेम्परेचर कॉफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिस टाइम जैसी बात कर रहे होंगे, तो जनरली मोस्ट जनरल है रेजिस्टिविटी, ठीक है? मेटल के लिए अल्फा की वैल्यूज हमेशा रहेंगी पॉजिटिव, मेटल के लिए हमेशा रहेंगी पॉजिटिव। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्या हो सकता है इसका बाकी के लिए। हाँ भाई, यहां तक कितनों को समझ में आ गया?